हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। और आज मैं आप लोगों के लिए 5 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को लेकर आई हूं। हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में हर साल 4 अक्टूबर के दिन को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1931 में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री अभियान का शुभारंभ किया है? अब सबसे पहले ये पद्मश्री अभियान है क्या और किस राज्य ने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू किया है। और ये पद्मश्री अभियान है क्या तो इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद्मश्री अभियान नामक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत राज्य की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंडों से अधिक हिस्से को मिशन मोड के तहत ठीक किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, सड़कों को ठीक किया जाएगा। राज्य सरकार ने दीदी के बोलो पहल के तहत मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके तहत राज्य की सड़कों के मरम्मत की शिकायतों को पूरा किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डीके कश्यप किस बैंक के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं? तो डीके कश्यप धनलक्ष्मी बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आरबीआई ने निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक के महाप्रबंधक डीके कश्यप को बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया है। डीके कश्यप को 2 वर्ष के लिए बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 27 सितंबर 2022 तक रहेगी, जिसमें वे बैंकिंग संबंधित सभी क्षेत्रों का आकलन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत और किस देश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर शुरू हुआ है। अब ये अभ्यास है क्या तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित कराया गया है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री अभ्यास और व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्यवाही का संयुक्त परिचालन करना था। इसके अलावा 4 से 5 अक्टूबर तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के संयुक्त गश्ती के तीसरे सत्र में विभाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो हाल ही में असम राज्य ने ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। असम राज्य की सरकार ने पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन संबंधित दावों को निपटान के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम एवं ऑनलाइन पेंशन सबमिशन प्रणाली कृतज्ञता नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से पेंशन भोगी लोग सभी कागजात ऑनलाइन जमा करा सकेंगे और अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकेंगे। इस पोर्टल को राज्य सरकार ने भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है? तो गुजरात राज्य स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार की घोषणा की है, जिसके तहत गुजरात राज्य स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार में स्वस्थ सुंदर समुदाय शौचालय, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत सहित देश में कुल 3 मिशन की शुरुआत की थी। और गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत हरियाणा और तेलंगाना शीर्ष पर रहे थे और स्वच्छ सुंदर सामुदायिक श्रेणी में जिला स्तर पर तमिलनाडु रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसानों तक उर्वरक की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो किसानों तक उर्वरक की होम डिलीवरी करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने राज्य के किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा का शुभारंभ किया है। गौड़ा ने POS 3.1 सॉफ्टवेयर SMS गेटवे ऑफ उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा राज्य में शुरू की है। इसके तहत किसान बिना फिंगरप्रिंट सेंसर छुए खाद खरीद सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान किसने शुरू किया है? तो मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान गूगल इंडिया ने शुरू किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। गूगल इंडिया ने भारत में छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की है। मेक स्माइल स्ट्रॉन्ग अभियान छोटे व्यवसायों के नागरिकों के समर्थन के लिए शुरू किया गया है, जो कि व्यवसायों की मांग उत्पन्न करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी ने लालौ, स्पीति के सीसू और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित किया था। अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और 9.02 लंबी सुरंग मनाली को सालों भर लाहौर स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो हाल ही में केरल राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में 144 धारा लागू कर दी गई है। अब इस धारा के तहत होगा क्या तो जान लेते हैं। तो केरल राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धारा 144 लागू कर दी गई है। कब तक कर दी गई है? तो 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। इसके तहत एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। देश में केरल पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के संक्रमित मामले सबसे पहले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1069 मरीजों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो वेदांतो ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है उसने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेदांतो ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस समय शाहरुख खान बायजू से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ ही दिन पहले आमिर खान को सीएट टायर्स ने 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत देश ने मालदीव देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने मालदीव के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले वर्ष मालदीव को दिए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।